33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में हुआ कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, 17 जनवरी से पोलियो के खिलाफ भी चलेगा बड़ा अभियान। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए 8वें दौर की वार्ता हुई संपन्न। अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। बर्ड फ्लू को लेकर देश और प्रदेश में सुरक्षा के इंतजाम बढ़े। नई दिल्ली में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से हो रही है निगरानी। राज्यों को सतर्कता बरतने के दिए गए निर्देश। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश में ठंड में हुआ इजाफा। मौसम विभाग ने शीतलहर जारी रहने के दिए संकेत। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर, समाचार विस्तार से। देश भर के कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण जारी है। यह ड्राई रन 736 जिलों में एक साथ किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में तमाम ड्राई रन सेंटरों का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात पर खुशी जताई कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसने बेहद कम समय में कोविड की वैक्सीन तैयार कर ली है। इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम India has also done extremely well on the front of the development of vaccine. And right now, two of our vaccines have been given emergency use authorization. And we are in the process of ensuring that in the next few days or so, in the near future, we should be able to give the vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk. कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए 8वें दौर की वार्ता आज खत्म हो गई। सरकार की अब किसानों के साथ अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व की वार्ताओं में किसान संगठनों और सरकार के बीच कई मुद्दों पर आम सहमति बन गई थी। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि आज की बैठक बेनतीजा रही। उन्होंने अगली बैठक 15 को की जाने की बात कही। तीनों कानूनों से संबंधित थी, चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यहीं स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई उपाय किए हैं। जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में पोल्ट्री कारोबार पर रोक लगा दी गई है। देश के कुछ राज्यों से पोल्ट्री, कौवों और प्रवासी पक्षियों की मृत्यु के समाचार मिलने से निगरानी बढ़ा दी गई है। संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने दिल्ली में नियंत्रण कक्ष बनाया है जो राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में रहेगा। अब तक राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम।
या, क्या हुआ है? कान में दर्द, चलो डॉक्टर जी के पास। डॉक्टर जी ने कहा है ये है स्वेटर बुनने, आग जलाने, बाल बांधने और लिखने के लिए, कान साफ करने के लिए नहीं। तेल और दूध इसमें मत जाने देना, और अगर कान में दर्द हो या कान से पानी आए तो जाना डॉक्टर जी के पास। अगर गुड़िया की हंसी चाहिए तो ध्यान रखिए। सुन लो बात है ज्ञान की, कदर कीजिए अपने कान की। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 775 नए मामले सामने आए हैं और इसी अवधि में ही 1001 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन केसेस की संख्या 11,535 है। उन्होंने कहा कि रिकवरी का प्रतिशत 96.62% चल रहा है। कोरोना के संक्रमित लोगों में से अब तक 8,469 लोगों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 775 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,001 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या प्रदेश में 11,535 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर प्रारंभ से अभी तक डिस्चार्ज हुए हैं उनकी संख्या बढ़कर के अब 5,71,606 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में इस समय 96.62% चल रहा है, 96.62%। संक्रमित लोगों में से अब तक 8,469 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,46,056 सैंपल्स की जांच हुई और जांच के संबंध में, कोविड टेस्टिंग के संबंध में आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश देश में 2.5 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला पहला राज्य हो गया है। कुल मिलाकर के अब तक हम 2,50,34,039 टेस्ट कर चुके हैं। कल ही ये माइलस्टोन पूरा हुआ 2.5 करोड़ से अधिक संख्या में टेस्टिंग होने का। 11,535 एक्टिव केसेस में से 4,713 होम आइसोलेशन में हैं और 1,056 निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले विधानमंडल की प्रथम बैठक का गौरव प्रयागराज को प्राप्त हुआ था। 8 जनवरी 1887 को उत्तर प्रदेश के प्रथम गठित विधानमंडल की पहली बैठक प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क परिसर में स्थित पब्लिक लाइब्रेरी भवन में संपन्न हुई थी। उसी की स्मृति में आज पब्लिक लाइब्रेरी भवन में प्रयागराज गौरव अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर ने की। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम में सांसद और विधायकगण भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं और आम जनता को इतिहास के गौरवशाली क्षणों की जानकारी दिलाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम अगले वर्षों में भी बड़ी भव्यता के साथ मनाए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि प्रयागराज में विधानमंडल दल की पहली बैठक होने की जानकारी व्यापक पैमाने पर देश और प्रदेश में दी जानी चाहिए। लगातार खुलता जा रहा है, उसको और गति प्रदान करने के लिए सारे समारोह से संबंधित लोगों ने आग्रह किया है कि अगले वर्ष 8 जनवरी को यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक हो, कैबिनेट की बैठक हो। तो इसके लिए जरूर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से, विधान परिषद के सभापति जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके कार्य मंत्रणा, जो विपक्ष के नेता और जो दलों के नेता हैं उनके साथ चर्चा करके प्रयास करेंगे कि अगले वर्ष यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक भी संपन्न हो और सत्र भी दिन भर का चले, ऐसा कुछ प्रयास करेंगे।
सिद्धार्थनगर में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश के मंत्री सतीश द्विवेदी और जय प्रताप सिंह तथा कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जब से देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार विकास हो रहा है। उपचुनाव इसके पहले हुआ, फिर स्नातक का चुनाव हुआ है और शिक्षक स्नातक का चुनाव होने के बाद अब पंचायत का चुनाव राज्य में आगे होने वाला है। उसके निमित्त राज्य के अंदर जनपदवार प्रदेश माननीय प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के संगठन महामंत्री और प्रदेश के महामंत्री ये सभी लोग जिले सा जिलेवार प्रवास कर रहे हैं। उसी में मेरा भी सिद्धार्थनगर और इधर महाराजगंज, फिर अयोध्या होगा। उसी के निमित्त आज जिला पंचायत जो वार्ड के सदस्य वार्ड के जो संयोजक बनाए गए हैं, ऐसे मंडल अध्यक्ष मंडल के प्रभारी, ये लोगों की मीटिंग है। आगे पंचायत चुनाव के लेकर क्या तैयारी चल रही है, नीचे कैसा गठन हुआ है, उसकी समीक्षा बैठक उसी के निमित्त आज आए हैं। प्रदेश के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोनभद्र जिले के भाजपा कार्यालय पहुंचकर पंचायत चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव से जुड़ी तैयारियों को साझा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में इस सरकार ने अभी तक जितना रोजगार उपलब्ध कराया है उतना पिछली सरकारों ने नहीं दिया। उन्होंने बताया कि सपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में 181,000 रोजगार सेवायोजन के माध्यम से दिया था, जबकि हमारी सरकार ने अभी 4 साल पूरा होने से पहले ही 4 लाख लोगों को रोजगार दे चुकी है और निरंतर रोजगार देने का काम जारी है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी विगत 5 वर्षों की सरकार में सेवायोजन विभाग के माध्यम से मात्र 181,000 लोगों को रोजगार दिया था, जबकि हमने अभी ही यानी इस मार्च में 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, उसके 4 साल पूरा होने के पहले ही हमने 181,000 समाजवादी पार्टी के रोजगार देने का रिकॉर्ड तोड़कर लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। अब तक आंकड़ा अभी जारी है, रोजगार ये केवल सेवायोजन विभाग के माध्यम से बता रहा हूँ। रोजगार देने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। पूर्ववर्ती सरकारों का 2-3 गुने का आंकड़ा हम अभी पार कर चुके हैं, जबकि सरकार का कार्यकाल अभी शेष है और बड़े पैमाने पर हम भर्तियों को करके रोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। शॉपिंग बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी लखनऊ सहित कई स्थानों पर सवेरे और शाम कोहरा छाया रहा। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की खबर मिली है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर के अभी और कई दिन तक जारी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते मौसम में बदलाव होगा और प्रदेश में भी ठंड में इजाफा होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य हिस्सों में तापमान गिरने की आशंका जताई है। अमेरिकी संसद में हंगामे के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनावी नतीजों को स्वीकार कर लिया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जो बाइडेन का रास्ता साफ हो गया है। जो बाइडेन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 मत मिले हैं।
कांग्रेस के चुनावी नतीजे स्वीकार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हैं। Votes for President of the United States are as follows. संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के लिए मतदान के लिए नियुक्त किए गए निर्वाचकों की पूरी संख्या 538 है। उस पूरी संख्या के भीतर बहुमत 270 है। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन को 306, डोनाल्ड ट्रंप को 232 वोट मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र के उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को 306 वोट, माइकल आर पेंस को 232 वोट मिले हैं। सीनेट के अध्यक्ष द्वारा वोट की स्थिति को देखते हुए अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को घोषित माना जाए। दोनों का कार्यकाल 20 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इस घोषणा के साथ ही जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर मुहर लग गई। अब उनके 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम नतीजों से असहमति जताते हुए कहा, हालांकि मैं चुनाव के नतीजों से पूरी तरह असहमत हूं और इस बात के प्रमाण भी हैं, लेकिन बावजूद इसके 20 जनवरी को सुचारू रूप से सत्ता का हस्तांतरण होगा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर मोहर लगाए जाने से पहले वहां जो हुआ उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले सारे देश सख्ते में हैं। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के वक्त जो कुछ भी कैपिटल बिल्डिंग में घटा उसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की भीड़ ने बुधवार की दोपहर वाशिंगटन के कैपिटल हिल पर धावा बोला और वहां मौजूद पुलिस से भिड़ गई। जाहिर तौर पर ये भीड़ इस संभावना से प्रेरित थी कि वो अमेरिकी कांग्रेस की कार्यवाही को रोक देगी ताकि नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को 2020 के चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट न मिल सके। ये हमला तब हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल पर चढ़ाई कर नवंबर 2020 के चुनावी नतीजे पलट देने का आह्वान किया। भीड़ सीनेट कक्ष तक पहुंचने में सफल रही जहां कुछ ही मिनट पहले चुनाव परिणाम प्रमाणित किए गए थे। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इसके बाद से राष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट लॉक कर दिए हैं। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि ट्रंप लोगों को भड़का रहे हैं और अपने दावों से उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा है कि वो इन प्रदर्शनों के सभी वीडियो और फोटो हटाएगा। आधिकारिक रूप से यूएस कैपिटल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, इनमें से एक ट्रंप समर्थक महिला को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार दी थी जिसकी मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। पुलिस का कहना है कि बाकी 3 लोगों की मौत मेडिकल इमरजेंसी के चलते हुई। As of 9:30 today, हमने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 लोगों को बिना लाइसेंस के पिस्टल रखने, 1 को प्रतिबंधित हथियार रखने, 47 लोगों को कर्फ्यू का उल्लंघन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 52 में से 26 लोगों को कैपिटल ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया है। 2 पाइप बम बरामद किए गए हैं। अमेरिकी सीनेट ने घटना पर शोक व्यक्त किया। सदस्यों ने घटना में मृतक लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। Our beloved nation. इन त्रासदियों ने हमें याद दिलाया है कि शब्द मायने रखते हैं और यह कि जीवन और मृत्यु की शक्ति जुबा में है। हमें चेतावनी दी गई है कि शाश्वत सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। ईश्वर, आपने हमें यह याद रखने में मदद की है कि हमें एक दूसरे को एक सामान्य मानवता में देखने की आवश्यकता है जो आपकी छवि को दर्शाता है। आपने सभी शत्रुओं के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की रक्षा और बचाव के लिए हमारे संकल्प को मजबूत किया है। दंगे की आशंका को लेकर अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के चारों तरफ सड़कों पर पुलिस तैनात है। वॉशिंगटन की मेयर ने पूरी रात के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेयर ने 15 दिन के लिए पब्लिक इमरजेंसी लगा दी है।
हापुड़ से यूपी एटीएस द्वारा पाकिस्तान को गोपनीय जानकारियां देने के आरोप में पूर्व सैनिक सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने बताया कि पूर्व सैनिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और अन्य देशों को गोपनीय जानकारी भेजता था। पूर्व सैनिक को पूछताछ के लिए एटीएस मुख्यालय बुलाया गया था, जहां उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। यह भी सामने आया कि इस काम के पूर्व सैनिक को विभिन्न माध्यमों और बैंक खातों में पैसे भिजवाए जाते थे। आसूचना प्राप्त हुई कि पैसों के लालच में एक पूर्व सैनिक सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी व अन्य देशों को भेजता है। उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा इस सूचना को विकसित किया गया तो पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सौरव शर्मा, पुत्र स्वर्गीय ओम दत्त शर्मा, निवासी ग्राम बिहूनी, थाना बहादुरगढ़, जनपद हापुड़ ने पैसों के बदले सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजी हैं। आज दिनांक 8/1/21 को अभियुक्त सौरभ शर्मा उपरोक्त को पूछताछ हेतु एटीएस मुख्यालय बुलाया गया था, जहां पर उसने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार किया और ये बताया कि उसने सेना की गोपनीय सूचनाएं समय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से पैसों की लालच में एक महिला पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को भेजी थी, जिसके बदले में अभियुक्त को समय समय पर विभिन्न माध्यमों एवं बैंक खातों से उपरोक्त पीआईओ के द्वारा पैसे भिजवाए गए। उपरोक्त के क्रम में सौरभ शर्मा को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के कहने पर सौरभ शर्मा को पैसा भेजने वाले एक अन्य अभियुक्त अनस गिलैती को पंचमहल गोधरा से भी हमारी एटीएस की टीम ने आज गिरफ्तार किया है और वहां से ट्रांजिट रिमांड पे हम लोग उसको लाएंगे तथा आगे की विधिक प्रक्रिया करेंगे। बदायूं में 3 दिन पूर्व महिला की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या के मामले में बदायूं पुलिस ने मुख्य आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को मेडिकल कराने के बाद अदालत में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि घटना में दोषी 2 अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और दोनों आरोपी अभी पुलिस कस्टडी में हैं। तीसरे आरोपी के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लीक होने के मामले में जो जांच दल बैठाया गया है उसमें आगे जो अपडेट होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि सब सामान्य है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बदायूं में परिवार को जो भी सुविधा देनी थी सरकार की ओर से वह दी जा चुकी है और सरकार भी सहयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीड़ित परिवार शासन और प्रशासन द्वारा दी जा रही मदद से पूर्ण रूप से संतुष्ट है और सुरक्षित है। का घटनास्थल है उसके आसपास और संबंधित गाँव में हमारी पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी हुई हैं। कानून व्यवस्था की किसी भी प्रकार की स्थिति कोई खराब नहीं है, सब एकदम नॉर्मल चल रहा है। जो पीड़िता पक्ष के लोग थे उनको सरकार की ओर से जो भी अनुमान्य सहायता थी उन्होंने सारी दिलवा दी है और हमारा प्रयास ये है कि शांतिपूर्वक सब कुछ रहे और ये जो अभियुक्त है इसको तत्काल इस पर चार्जशीट वगैरह लगा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलवा के इनको शीघ्र से शीघ्र सजा दिलवाई जाएगी। मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में उत्तर प्रदेश पुलिस के 218 उप निरीक्षक के कैडेट के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि और प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण सुजान वीर सिंह ने दीक्षांत परेड की सलामी ली और प्रशिक्षु कैडेटों को शपथ ग्रहण कराई, साथ ही प्रतिभाशाली कैडेटों को सम्मानित भी किया। कैडेट अंकित यादव को सर्वांग सर्वोत्तम और कैडेट प्रशांत कुमार सिंह को सर्वोत्तम इंडोर प्रशिक्षु का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रशिक्षण को प्राप्त होता है शपथ लेता हूँ। पुलिस से संबंधित सभी बाह्य विषयों में और अंतर विषयों में इनको प्रशिक्षण दिया गया है और ये मुख्य रूप से जो पुलिस विभाग के मृतक आश्रित थे
उनका एक तरीके से आज इंडक्टमेंट हुआ है और उन्होंने एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करके वो पुलिस विभाग का अंग बने हैं। ये सब इंस्पेक्टर्स का 2020 का बैच आज पास आउट हुआ है और उत्तर प्रदेश में आज की पासिंग आउट के बाद 218 सब इंस्पेक्टर्स शामिल हुए हैं। ये सभी पुलिस परिवार के अंग हैं क्योंकि ये मृतक आश्रित वाले निर्धारित कोटे से यहाँ पर आए थे। उनकी एक साल की पूरी ट्रेनिंग के बाद में ये आज शामिल हुए हैं। जिम्मेदारी उठाने के लिए आज बाहर जाने के लिए तत्पर हैं और उम्मीद है कि यहाँ के द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को हम लोग समाज में अर्पित करेंगे, अन्याय लोगों जो अन्याय हो रहा है समाज में उनको मिटाने की कोशिश करेंगे। सर, ये हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण क्षण है और मैं आशा करता हूँ कि मैं भविष्य में गरीबों के लिए और जो असहाय है, वंचित सदस्य, वंचित वर्ग है, जो पीड़ित है, उसके लिए मैं कुछ विशेष कर सकूंगा, कुछ अच्छा कर सकूंगा। सर, अलीगढ़ में नमामि गंगे परियोजना के तहत माघ मेले के दौरान प्रदूषण को रोकने के लिए अलीगढ़ जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने काली नदी की निगरानी तेज कर दी है। काली नदी का जल कन्नौज में गंगा में मिलता है, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह कदम उठाया। बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि कुछ समय पहले काली नदी में रंगों की तीव्रता 100 हैजन थी। काली नदी में प्रदूषण न हो इसके लिए प्रतिदिन विभाग द्वारा जल के नमूने एकत्र कर उनका परीक्षण किया जा रहा है और इसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब काली नदी में रंगों की तीव्रता घटकर 40 हैजन तक आ गई है। 14 जनवरी से प्रयागराज में माघ मेला शुरू हो रहा है और इसलिए प्रतिदिन काली नदी के किनारे लगे उद्योगों के निरीक्षण के साथ ही जल मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल मिल सके। काली नदी की जो है क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दो टीमें बनाई गई हैं, एक टीम कासगंज और एक टीम हमारे अलीगढ़ में निगरानी कर रही है। इसके लिए हम इंडस्ट्री की भी जांच करते हैं और प्रत्येक दिन इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और हमारा प्रयास यही है कि जो प्रयागराज में माघ मेला का जो पहला स्नान है वो 14 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि माघ मेले में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको स्वच्छ मिले, यही हमारा प्रयास है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में हुए कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा 17 जनवरी से पोलियो के खिलाफ भी चलेगा बड़ा अभियान। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध दूर करने के लिए 8वें दौर की वार्ता हुई संपन्न, अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। बर्ड फ्लू को लेकर देश और प्रदेश में सुरक्षा के इंतजाम बढ़े, नई दिल्ली में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से हो रही है निगरानी, राज्यों को सतर्कता बरतने के दिए गए निर्देश। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के चलते प्रदेश के ठंड में हुआ इजाफा, मौसम विभाग ने शीतलहर जारी रहने के दिए संकेत। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।